वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। क्रिटिसाइज करने की जरूरत तो नहीं है इसलिए कि पाकिस्तान ने भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई है और वन साइडेड मुकाबला था, तो इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इतनी हार के बाद ऐसी जीत भी जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड ही थी वो भी बहुत भली लगती है। मगर ऐसी पोजीशन में क्यों लेके आती है पाकिस्तान की टीम जहां पे डू और डाई सिचुएशन हो, अप अगेंस्ट द वॉल वाली सिचुएशन हो, नाउ और नेवर, मरना और जीतने की हालत में सबके सांस सुखा देने वाली सिचुएशन में क्यों लेके आती है ये टीम? क्योंकि यही अगर परफॉर्मेंस पहले मिल जाती तो इस वक्त स्मूथ सेलिंग होनी थी सेमीफाइनल के लिए। अब ये है कि किसी को जीना है, किसी को मरना है पाकिस्तान को थ्रू होने के लिए, और अपने लिए बहुत मुश्किल टास्क कर लिया। फखर जमान की इंक्लूजन अच्छी थी मगर वो डिजर्व करते थे बेंच होना। देखिए बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि उनको पहले ही खिला देना चाहिए था, वो इवेंट के बाद हर कोई जो साथ बन जाता है, मगर जिस तरह की उनकी बैटिंग फॉर्म थी बिल्कुल उनके लिए पॉज लेना जरूरी था। और मेरी आप वीडियोस में भी निकाल के देख ले, मैं यही कह रहा था कि इनके लिए अच्छा है कि अगर इन और ना खिलाया जाए क्योंकि कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा था लो स्कोर से। सो पॉज लिया, पॉज के बाद जब वापस आए तो फिर हर चीज ठीक चली और एक तरह से एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग दिखने को मिली। तो चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। मेरी निगाह में वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। देखें दूसरा मैच है इनका ये वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी क्रैम्प्स इनको पड़ रहे थे मगर हिम्मत नहीं हारी और वहां पे भी आउट किए, यहाँ पे भी रिवर्स स्विंग बहुत आला इन्होंने एंड में की। इस तरह के जो एक तरह से स्पीडस्टर हैं जो 140 प्लस पे बॉल करते हैं और जो कि टीम के लिए अपनी जान निछावर के लिए तैयार होते हैं, उनको बहुत इनकरेज करना चाहिए कि एसेट साबित हो सकते हैं आगे चल के। इनको सिर्फ कंसिस्टेंसी लेके आनी है, हार्ड लेंथ पे अभी बॉल इनको और करने हैं, डे इन एंड डे आउट इनको बॉलिंग मशीन बनना है और अपने आप को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि अगर अभी अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये वक्त जाया कर देंगे। अभी अपने जोबन पे हैं, जवान हैं, ताकत भी है, रॉकेट आर्म है इनका, फील्ड अच्छी करते हैं, बैटिंग को और इम्प्रूव करना है, पोटेंशियल एंड में ऑलराउंड क्रिकेटर बन सकते हैं, मगर रियल प्लस थे आज वो पाकिस्तान के लिए। अवेल जैज मंथली फ्रीडम ऑफर, जैज लाया है जीतने का एक और मौका विद जैज फैंस पल्स। अभी देखें तमाशा ऐप पर वर्ल्ड कप के मैचेस और पाएं जीतने के मौके। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच क्लियरली फखर जमान, हालांकि अब्दुल्ला शफीक और फखर दोनों ने जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, मगर फखर जमान के आने से होता क्या है कि जो नेट रन रेट के मामले मसाइल है और जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से कई दफा ये बैटिंग लाइनअप गुजर रही होती है वो सब जो है साइड पे वो कर देते हैं, क्योंकि छक्कों की बारात लगा दी और बड़े बड़े छक्के लगाए उन्होंने। असल में अप्रोच बहुत अच्छी थी और एक दफा जब वो पहला छक्का लग गया उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, अपने एक अंदाज से खेलते हैं। देखिए अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग में वक्त लगता है वापस फॉर्म में आने के लिए और इनको जो बेंच किया शायद टाइम आउट से इनको भी आइडिया हुआ है कि इनको क्या चीज करना है, क्लैरिटी आ गई और उस क्लैरिटी के बाद ये जो धुआंधार इनिंग्स खेली है इससे पाकिस्तान को बेनता फायदा हुआ है। सो मैं तो पहले सोच रहा था शायद मिडिल ऑर्डर में खिलाए, इनको खिलाना जरूर चाहिए, मगर ओपन करके और ऐसी फॉर्म में आते हैं तो फिर आगे चल के पाकिस्तान के और ज्यादा चांसेस बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी टीम्स के खिलाफ भी इस तरह की धुआंधार ये बैटिंग कर सकते हैं। अफसोस के वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा दिखा नहीं जहां पे इन्होंने कन्विंस किया हो कि मुझे आप बार बार चांस दें, शायद एक आधा और मौका मिल सकता था मगर उस वक्त तक इतने मौके मिल गए थे कि फिर बस हो गई थी थिंक टैंक की भी। एनीवे इससे बहुत फर्क पड़ेगा, इनकी अपनी फॉर्म जो है वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद और काम आएगी।